गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आप देख रहे हैं कोई क्लास नहीं है, मोटिवेशन बाय भी किशोर सर फॉर 11th 12th जेई मेडिकल, जिसको हम लोग आजकल क्या कहते हैं, नीट। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों ने कमेंट किए क्लास में भी, ये बोलते रहते थे सर जो एक क्लास मोटिवेशन ले लेते। देखिए, सबसे पहली बात, मोटिवेशन में मुझे कभी विश्वास नहीं रहा। नाम ही है इसका मोटिवेशन। आप किसी को उत्साहित कितने दिनों तक कर सकते हैं? किसी को हेल्प कितने दिनों तक कर सकते हैं? ये सब क्षणिक मात्र है। जिसके अंदर ये खुद जज्बा ना हो, जो मुझे कुछ करना है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने आग्रह किए जो सर मोटिवेशन हो जाए, तो मैं आप लोगों के बात को टाल नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों को किस तरह से ज्यादा बेनिफिट मिले मेरे द्वारा, यही अब मेरे जीवन का परम लक्ष्य रह गया है। इसलिए मैंने सोचा जो कुछ बच्चों से मोटिवेशन का बात कर लिया जाए। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेट मतलब एक्साइटेड, जिसको केमिस्ट्री के भाषा में कह सकते हैं, जो एक्साइटेशन होना। और एक्साइटेशन का प्रक्रिया एक एनर्जी गेनिंग प्रोसेस है। जिस तरह से आप कुछ बात ऐसा होता है जिस पर गुस्सा जाते हैं, तो क्या आपको जब गुस्सा जाते हैं तो एक ऐसा वेव, एक वैसा करंट आपके ब्रेन के अंदर इंटर करता है जो ब्रेन में कुछ हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर देता है। लेकिन कभी सोचे हैं जो ये स्टिमुलेशन, ये उत्तेजनपन कितने देरों तक रहता है? तो क्षणिक देरों तक, क्योंकि इस बॉडी के अंदर जो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है वे कंटिन्यूअस तो हो रहा है, लेकिन एक टारगेट पॉइंट पे जाकर के कुछ देर के बाद वे फिनिश्ड हो जाता है। तो आप इतना ही करें, सिर्फ कर्म करें। सबसे पहला, जो जैसा परिस्थिति हो उस परिस्थिति के अनुसार आप कर्म करें। हम जानते हैं जिस दौर से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, उस दौर में लग रहा होगा जो क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसको चलाने वाले कोई और हैं, किसी के बस में नहीं है। तो अभी एक ही पॉइंट याद रखें, आप प्रेजेंट में आपके पास क्या रास्ता है। जो वीडियो मिले, जैसे ही वीडियो मिला उसको नोट करें, उसको समझें। फिर हम लोग जब एक समय आएगा, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी, जब हम लोगों का 12th का एग्जाम होगा, जैसा कि जिस सबका जेई मेन नीट है उस सबका डेट पब्लिश हो गया, तो फिर वहां से हम आगे देखेंगे। तो आप इतना ही करें, जो दुनिया में जो कुछ भी आज देख रहे हैं बड़ा होते हुए, वे शांति से काम किया तो आज विस्फोट हो गया। क्या समझ रहे हैं? यदि कुछ बड़ा करना हो तो शांति से आप करें। ऐसा नहीं जो गांव में रहते होंगे और 2 घंटा 4 घंटा पढ़े, अब 10 जगह आज जाकर के बोले आज मैंने 10 घंटा पढ़े, उसका कोई मतलब नहीं। जब तक कि आप कुछ करना जाते हैं, चाहे आप 2 ही घंटा पढ़ करके क्यों ना करें या 1 घंटा पढ़ के क्यों ना करें, यदि आप 10 घंटा भी पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो कल होकर के आपको मखौल उड़ा जाएगा। इसीलिए मन में एक हर समय इस तरह से बनाए रखें,
जो मेरा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य में अपने परिवार के यादों को सम्मिलित करें, सिर्फ परिवार के, जो आपके परिवार मतलब जो आपके भरण पोषण में रिलेटिव है उसका, उसके आकांक्षा को देखें। जब भी आपको मन डिविएट होने लगे, चलो अब बहुत थक गए, अब कैसे पढ़ेंगे, आप अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को याद करें, जो आपके प्रति कितना उम्मीद किए हुए हैं, जो कल होकर के मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, वगैरह वगैरह। तो जब भी आपको ये मन में आलस आए, मन में शिथिलता हो, पढ़ाई के प्रति लगे जो नहीं अब जोश कम हो गया, बहुत थकान सा अनुभव हो रहा है, तो आप अपने सपनों को देखें। जैसे ही आप अपने सपनों को देखेंगे, आपको सही हकीकत कहता हूं, जो एक एक्सपेरिमेंटल बात कहता हूं, जो मैं भी कह रहा हूं, वे 100% आज जो मैं यहां तक आया हूं, वे सिर्फ एक मेहनत के बदौलत और कुछ नहीं। तो ये जो आपका मोटिवेशन है, ये बार बार आप देखेंगे, बार बार सुनेंगे। अब जहां तक रही सिलेबस का बात, तो सिलेबस के लिए आप कभी भी मेरे तरफ से टेंशन ना लें। क्यों मैं कहता हूं, यदि सपोज कीजिए 12th का समय अनाउंस हो जाएगा, मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दूंगा 12th के लिए, क्रैश कोर्स, और यदि 12th के लिए क्रैश कोर्स करा दूंगा तो 12th पास। सिर्फ मतलब है हमको जेई मेन और नीट, ये सब जो है किस तरह से एडवांस, किस तरह से क्वालिफाई किया जाए, और उसमें हम लोग कोई छलांग नहीं मार सकते। यदि आप छलांग मारने का कोशिश करेंगे तो बीच में ही गिर जाएंगे। छलांग मारने का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए हम केमिस्ट्री का भी फिजिकल का आपको अपलोडिंग कर रहे हैं, आप चाहेंगे जो फिजिकल का, चलो आयनिक इक्विलिब्रियम हो रहा है, किसी और के सर से जो है सॉल्यूशन ले लें, केमिकल काइनेटिक्स ले लें, क्या संभव है जो आप संभाल पाएंगे? कतई नहीं, क्योंकि केवल सुनना, केवल लिखना पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का मतलब होता है उसको क्या करना, सॉल्यूशन करके, यानी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना। तो ऐसा छलांग ना मारे, यानी यदि 12th का बात होगा तो मैं क्या करूंगा, क्रैश कोर्स। तो इतना ही आप ये समझें, जो कुछ भी करना है खुद आपको करना है। पढ़ाई एक ऐसा है जो कोई आपको सहयोग नहीं कर सकते। हम आपको वीडियो दे रहे हैं, समझना तो आपको ही है बाबू, समझना याद करना आपको ही है। और आप इतना ही समझें, जो आपके बस में इतना ही है इस समय, जो सिर्फ क्या करना, पढ़ाई करना, सिर्फ पढ़ाई करना, और उसके अलावा कुछ नहीं। निंद खुले पढ़ाई के बारे में सोचें। अब सवाल है, जो कुछ लोग, कुछ बच्चे का ये शिकायत रहता है, जो सर पढ़ते समय हमको बहुत सारी बातें याद रहता है, इसको कैसे समाधान करें? तो इसका सिंपल सी समाधान है, ये आप जानते हैं, जो हम लोगों का बॉडी जो है 5 एलिमेंट से बना हुआ है, जिसको कहते हैं जो आकाश से, अग्नि से, ये धार्मिक भाषा में, तो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, तो इसका तो एट ए टाइम सभी का नेचर एक जैसा नहीं है, ये अलग अलग नेचर के हैं। तो ये जो आपका मन है, ये आपको जो लग रहा है, जो पढ़ते समय कुछ और बात का चिंतन आ जाए, तो उसके लिए एक ही काम करें, आप सबसे पहले नंबर ऑफ दोस्त कम करें। यानी मेरा तो ये मानना है, जो यदि आप 11th और 12th में हैं, तो सिर्फ अपने पेरेंट्स से मतलब लगे रखें और किसी से नहीं, क्योंकि आप जितने से मिलेंगे उतने जो आप बात करते हैं, वे बात तो आपके ब्रेन में रिकॉर्ड हो रहा है, वैसा ही जैसा कि आपको अभी हम रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, वैसा ही ब्रेन में क्या होता है, हम लोगों को रिकॉर्ड हो जाता है। और जब आप शांति से बैठते हैं तो वे सुनाई अपना धुन स्टार्ट कर देता है। तो हम ऐसा करें, जो हम उस
उस धुन के पास जाए ही नहीं जो रिकॉर्डिंग हो। ये कम से कम कितना 11th और 12th, यानी जब तक आप कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर जाते हैं तब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों से न मिले, सिर्फ पढ़ाई की बात करें। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग उम्मीद है जो इस मोटिवेशन से जो कुछ भी आपको समझाए समझ में आया होगा। बार बार आप देखेंगे, बस करना आपको है, सिर्फ आपका अधिकार कर्म पे है, फल पे नहीं।